हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस के ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको मालूम है, मैं हमेशा आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए प्रेजेंट होता हूं और आपसे ही उम्मीद रखता हूं कि आप भी मेरे साथ साथ में पढ़ रहे होंगे। तो बेटा, पेन पेंसिल लो, बुक नोटबुक लो और बैठ जाओ पढ़ाई करने के लिए। जैसा आपको पता है, हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं। तो ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया है, ये चैप्टर मैंने पूरा करवा दिया था। जो कल की हमारी क्लास थी, उस क्लास में मैंने आपका टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन भी आपको करवाया था। और आज की जो क्लास होगी, इस क्लास के अंदर मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, यानी हमने जो चैप्टर पूरा किया है, जो मेटल्स वाला और नॉन मेटल्स वाला, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं, समझाते जाऊंगा साथ साथ में और आपको आंसर भी लिखवाता जाऊंगा। तो आपको जो भी मैं ये क्वेश्चन हो सकता है आपको अपनी बुक में नहीं मिलेंगे, बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको आने चाहिए ये भी। तो बेटा नोट कीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या करना है, नोट करना है क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन भी लिखवाऊंगा और आंसर भी आपको लिखवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन लिखो, वाई एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर, क्या लिखोगे? वाई ए एल यू एम आई एन आई यू एम एन आई यू वाई एल्यूमिनियम इज यूज्ड, वाई एल्यूमिनियम इज यूज्ड, वाई एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर रैपिंग ऑफ फूड, फॉर डब्ल्यू आर ए डबल पी आई एन जी रैपिंग फॉर फूड, रैपिंग फॉर फूड मटेरियल्स, फूड मटेरियल्स कह दो या फूड आइटम्स कह दो, ठीक है ना, फूड आइटम्स। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैंने लिखवाया है वाई एल्यूमिनियम इज यूज फॉर रैपिंग फॉर फूड आइटम्स, यानी कि भोजन की जो वस्तुएं होती है, कोई भी फूड आइटम्स होता है, उसको बेटा एल्यूमिनियम में क्यों लपेटा जाता है? देखो, जब आप किसी होटल रेस्टोरेंट में जाते हो तो वो आपको क्या करता है, आपको सपोज करो आप खाना खाने के लिए होटल में गए, तब क्या होता है, आप उससे जो भी आइटम्स लेते हैं तो आप आइटम्स एक ऐसा कागज टाइप ही होता है, एक ब्राइट कलर का चमकीले रंग का कागज की तरह ही होता है, उसके अंदर आपको हो सकता है चपाती उसके अंदर लपेट कर देता है। तो वो चपाती उसके अंदर क्यों लपेट के देता है, वो कागज में तो नहीं लपेटता है, उसमें क्यों लपेटता है? वो पहली बात, वो क्या होता है, वो होती है एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, यानी कि वो कैसा एक ऐसा कागज होता है, एल्यूमिनियम का होता है। तो ये क्या ऐसा कारण है कि वो एल्यूमिनियम की फॉइल के अंदर लपेट करके देता है? तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसका आंसर लिखेंगे कि ऐसा क्या रीजन है कि उसके अंदर वो लपेट कर देता है। ये देखो मेटल से रिलेटेड है, एल्यूमिनियम क्या है, हमने पढ़ा मेटल है, तो इस एल्यूमिनियम के अंदर ही वो क्यों लपेट के देता, कोई दूसरे मेटल में तो लपेट करके नहीं देता है। आंसर इसका लिखना कि जो भी मेटल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता, आपको पता हो तो, हा? तो एल्यूमिनियम जो मेटल होता है, एक तो पहली बात तो होगी कि वो मेटल होता है, उस मेटल के अलावा क्या होता है कि इसकी जो मैलेबिलिटी होती है, मैलेबिलिटी जो होती है, वो मैलेबिलिटी इसकी क्या होती है, तो उसकी मैलेबिलिटी ज्यादा होती है। तो लिखना है एल्यूमिनियम इज ए मेटल, ए एल यू एम आई एन आई यू एम एल्यूमिनियम इज ए मेटल, क्या लिखोगे, एल्यूमिनियम इज ए मेटल, एल्यूमिनियम एक धातु है एंड हैंस पजेजेस मैलेबिलिटी एंड हैंस, और इसीलिए पी ओ डबल एस ई डबल एस ई एस पजेजेस मैलेबिलिटी एम ए एल ई आई ए एम ए डबल एल ई एम ए डबल एल ई आई ए बी आई एल आई टी वाई, क्या होती है उसके अंदर मैलेबिलिटी, उसके अंदर ज्यादा होती है एल्यूमिनियम के अंदर, आपको पता हो तो हमने पढ़ा है। उसके अलावा तो लिख देना है हमारे को कि मैलेबिलिटी पी आर ओ पी ई आर टी वाई, मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी उसके अंदर ज्यादा होती है। उसके अलावा और आप क्या लिखोगे, इट कैन बी बीटन इन टू थिन सीड्स, इट कैन बी बीटन इन टू टी एच आई एन थिन सीड्स, यानी उसको पतली चद्र में क्या किया जा सकता है, मैलेबिलिटी का उसके अंदर प्रॉपर्टी है तो क्या होगा, उसको थिन सीड्स के अंदर बीटन किया जा सकता है, यानी कि पतली सी चादर में उसको पीट कर पतली चादर में उसको परिवर्तित किया जा सकता है। उसके अलावा एंड कैन बी फोल्डेड एंड कैन बी फोल्डेड यानी उसको फिर फोल्ड किया जा सकता है, आपको चपाती उसके अंदर
लपेट कर देगा, तो ऐसा कागज लेगा वो जिसको लपेट सकते हैं, ऐसा तो कोई लेगा नहीं कि जिसके अंदर आप लपेट भी नहीं सकते, वो आपको दे दिया। उसके अलावा क्या होता है कि एल्यूमिनियम का वो जो पेपर होता है उसको कैन फोल्डेड का मीन्स उसको फोल्ड किया जा सकता है, ठीक है ना। तो क्या लिखा आपने, कैन बी फोल्डेड लिखना, कैन बी फोल्डेड हो गया। उसके अलावा, अब उसके अलावा देखो और क्या हो गया, इन टू एनी शेप यानी फोल्ड, उसको मोड़ करके कई किसी भी प्रकार का उसको शेप दिया जा सकता है, उसको आकार दिया जा सकता है। उसके अलावा और क्या लिखना, इट इज चीपर देन अदर मैलिएबल मेटल, इट इज CHEAPER चीपर देन OTHER अदर मैलिएबल MALLEABLE मैलिएबल metals METALS यानी अन्य धातुओं की तुलना में एल्यूमिनियम क्या होता है, सस्ता होता है, अन्य धातुओं की तुलना में सस्ता होता है और डज नॉट रिएक्ट विद फूड, और भोजन के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता है, एंड डज नॉट REACT रिएक्ट विद फूड यानी भोजन के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करता है। उसके अलावा यही रीजन होता है, आगे लिख सकते हैं कि दैट इज वाई इट इज यूज एज रैपिंग मटेरियल्स फूड फॉर फूड आइटम्स, ठीक है ना। तो ये बेटा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन करते देखिए, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है किया देखो कि वाई एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर रैपिंग फॉर फूड आइटम्स, कि भोजन की वस्तुओं को लपेटने के लिए एल्यूमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है, तो उसका क्या कारण है, तो एल्यूमिनियम इज ए मेटल, एल्यूमिनियम एक धातु है एंड हेंस पजेस मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी, और इसीलिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, उसको पतली चादर में पीट करके पतली चादर में बदला जा सकता है, एंड कैन बी फोल्डेड इनटू एनी शेप, किसी भी आकार के अंदर उसको फोल्ड किया जा सकता है। उसके अलावा ये अन्य जो मैलिएबल मेटल्स होते हैं उसकी तुलना में सस्ते होते हैं, भोजन के साथ में कोई रिएक्शन भी नहीं करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन लिखो, व्हाट हैपेंस व्हेन ए कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग, ऑल्सो राइट द इक्वेशन, ये क्वेश्चन लिखना है। क्या क्वेश्चन लिखोगे कि कॉपर के जो बर्तन होते हैं, आपको बता दो हमारे घर में कॉपर के बर्तन होते हैं वो काले क्यों पड़ जाते हैं, आपको पता होगा ना, अगर हम काफी दिन तक उसको वॉश नहीं करते हैं तो वो अपने आप ही पड़ा पड़ा काला बन जाता है, अगर कॉपर का कोई बॉल होता है तो, कॉपर का कोई भी बर्तन हो उसका रंग चेंज हो जाता है आपको पता हो तो, ऐसा क्यों होता। तो क्वेश्चन लिखना पहले, वॉट हैपन WHAT WHAPPEN What happen when a copper vessel, COPPER copper VESSELS copper vessels नहीं लिखना, एक ही बर्तन लिख देना, when copper vessels is exposed to MOIST moist air For long, also write the equation. उसके बाद में आपको also write the EQUATION. आपको equation भी लिखना है कि वो ऐसा किस कारण से होता है, ठीक है ना। तो देखो आंसर लिखो इसका कि when a copper is exposed to moist air, ये देखो सारा इतना तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, टू मोइस्ट एयर फॉर लॉन्ग, इतना तो सारा क्वेश्चन में लिखा था ना, लंबे समय तक कॉपर के वेसल को अगर आप मोइस्ट एयर के अंदर रख देते हो तो क्या होता है, इट एक्वायर ए डल ग्रीन क्वाइटिन, इट एक्वायर ACQUIRES एक्वायर्स ए, क्या करता है, एक्वायर्स ए डल का मीन्स होता है धुंधली, ठीक है ना। तो क्या होता है, ए डल ग्रीन क्वाइटिन, GREEN ग्रीन COATING ग्रीन क्वाइटिंग मीन्स होता है उसके ऊपर हरी परत आ जाती है, ग्रीन कलर की उसके ऊपर लेयर आ जाती है, तो द ग्रीन मटेरियल इज ए मिक्सर ऑफ, ये क्या है, ग्रीन मटेरियल क्या है, तो ग्रीन मटेरियल इज ए MIXTURE
मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर ऑफ ये क्या है, तो एक मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड का, COPPER कॉपर, HYDROXID ये कॉपर ऑक्साइड का मिक्सर बन गया, यानी कि देखो CU होल्ड वाइज OH2 ये वाला कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण प्राप्त हो गया, और एंड कॉपर कार्बोनेट उसके साथ में और क्या बनेगा, COPPER कॉपर कार्बोनेट, और क्या मिलेगा, कॉपर कार्बोनेट, उसके अलावा कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता, CuCO3, तो ये भी लिख दो ब्रैकेट में, उसके अलावा और क्या लिखना है, दिस इक्वेशन इज एज फॉलोज, उसके बाद इक्वेशन का बोला गया, दिस EQUATION दिस इक्वेशन इज FOLLOWS फॉलोज, इक्वेशन लिखता हूं देखना, इक्वेशन क्या होगा, कॉपर होगा, कॉपर का तो लोटा ही होता है, तो ये कॉपर हो गया, उसके बाद किसके संपर्क में आएगा, मोइस्ट एयर का मीन्स H2 होगी, जल नहीं होगा तभी मोइस्ट होगी एयर, अन्यथा कहां होगी, नहीं होगी, उसके अलावा वायुमंडल में CO2 भी होगी और वायुमंडल में O2 भी होगी, तो ये देखो H2 और CO2 ये क्या है बेटा, ये मोइस्ट एयर है, ये क्या है, तो ये नम वायु है, ये मोइस्ट एयर हो गई, उसके बाद में आगे क्या लिखोगे, ये आपकी मोइस्ट एयर हो गई, अब क्या बना आपको मिश्रण, आपको पता है CU होल्ड वाइज OH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया ये, उसके अलावा कॉपर कार्बोनेट CuCO3, अब देखो आप मैच कर सकते हो, दोनों तरफ इक्वल है, देखो कॉपर इधर 2 है, इधर ये गया, ये गया 2 है, इधर भी H2 में देखो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन देखो इधर 2 है, ऑक्सीजन देखो 2 और 3, 3 और 2 5 है, 5 है तो 3 ये रहे ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन ये रहे, तो ये भी हो गया सारा इक्वल है, सी कार्बन कितना है, कार्बन भी देखो 1 ही है, तो सारा इक्वल है, ये तो हो गया कॉपर हाइड्रोक्साइड, और वो क्या हो गया आपका कॉपर कार्बोनेट, यहां लिख सकते हो COPPER कॉपर HYDROXID ये कॉपर हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया आपका कॉपर कार्बोनेट COPPER कॉपर CARBONATE कॉपर कार्बोनेट। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, बहुत तो एक डेली लाइफ के अंदर ऐसे वाले क्वेश्चन है कि उसके जो यूजेज होते हैं मेटल्स के और नॉन मेटल्स के, वो मैंने करवाया है, पहला था व्हाई एल्यूमिनियम यूज फॉर रैपिंग फॉर फूड आइटम्स, एंड दूसरा था कि व्हाट हैपेंस व्हेन ए कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मोइस्ट एयर फॉर लॉन्ग, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और करवा देता हूं क्योंकि अभी बेटा थोड़ा समय है, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, इसके लिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद में अगर समय रहा तो और करेंगे, नहीं तो फिर हमारी क्लास को ऑफ करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखो 3, क्वेश्चन कौन सा करना है, क्वेश्चन 3 करना है, तो लिखो राइट द हेल्प ऑफ, राइट नहीं विद द हेल्प ऑफ लिखो WIPH विद द HELP हेल्प ऑफ EQUATION विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, यानी समीकरण की सहायता से, समीकरण की सहायता से क्या करना है, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ EXPLAIN, एक्सप्लेन द RECTION रिएक्शन ऑफ, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ क्या करना है आपको, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स NON नॉन METALS नॉन मेटल्स, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन विथ OXYGEN, यानी क्या करना, ये तो बेटा आपको पता ही होगा कि आपको नॉन मेटल्स की रिएक्शन अगर करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ में तब क्या होता है, क्या करवाना है, नॉन मेटल्स जो है उसकी ऑक्सीजन के साथ में आपको रिएक्शन करवानी है, करवाओ देखो रिएक्शन ऑक्सीजन, करवाओ रिएक्शन, कैसे करवाओगे, तो नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, क्या लिखोगे, नॉन मेटल METL नॉन मेटल RECTS एस रिएक्शन फ्रॉम OXYGEN टू फॉर्म FORM टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड ACIDIC एसिडिक OXID, आपको पता होगा ना एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, उसके अलावा और क्या लिखोगे, बट ये जो रिएक्ट करता है ऑफ द नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इग्निशन, अभी आप नहीं लिखोगे ना तो भी चलता है, इतना लिख दोगे तो बहुत है कि नॉन मेटल रिएक्ट्स फ्रॉम ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, आगे नहीं पूछा है इतना ही लिखना, आप देखो इक्वेशन पूछा ना विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, अब लिखो देखो इक्वेशन, ये कार्बन लिखा मैंने, कार्बन क्या है
बताओ कार्बन नॉन मेटल है प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ये ऑक्सीजन हो गया तो ये क्या बन गया CO2 बन गया, तो ये क्या बन गया बेटा ये एसिडिक ऑक्साइड ही तो है। उसी प्रकार एक और देखो S लिखा मैंने, ये सल्फर हो गया प्लस O2, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाया तो क्या हो गया ये SO2 बन गया ना, ये सल्फर ऑक्साइड बन सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। आगे नहीं करना, आगे बेटा नहीं पूछा है तो नहीं करना है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये SULPHER, ये सल्फर डाइऑक्साइड है। इतना ही पूछा है कि आपको सिर्फ ऑक्सीजन के साथ में ही रिएक्शन करवानी है, बाकी आगे नहीं करना है कि उसको जल में घोल करके फिर उसका एसिड बनाना, इतना नहीं पूछा है। क्वेश्चन में इतना ही कहा गया है कि समीकरण की सहायता से ऑक्सीजन यानी अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को समझे, तो पहले समझा दिए कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिडिक ऑक्साइड बनेगा और उसके बाद में दोनों इक्वेशंस जो है वो हमने लिख दी है। तो इस प्रकार से आपको ये तीन क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं और आज की क्लास का समय जो है हमारा समाप्त होने आ रहा है, इस कारण से हमारे को क्लास अभी ऑफ करना पड़ेगा। तो आपसे उम्मीद है जो मैंने तीनों क्वेश्चन करवाए हैं एक डेली लाइफ के क्वेश्चन थे मेटल्स और नॉन मेटल्स से रिलेटेड, इस कारण से आपसे उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और अब मैं आपसे विदा लेता हूं, कल वापस लौटता हूं, तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आपको सुरक्षित रखें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें। अब मैं चलता हूं, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।